प्रभुनितानंदवासति श्रीगौरव हरे कृष्ण कृष्ण रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्मं मृजान्तं कराम्भोजयुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ ईदृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषङ्निमज्जन्तं आक्षम्पयन्तम् तदीयसितागेषु भक्तैस्तत्तं पुनःप्रेमस्तत्तं सदा प्रीतिवान्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं दिङ्वा न चान्नं ब्रीने अहं वरे साधपीय इदन्तेव पूर्णथ गोपाल बालं सदा मे मनसि वासं किमान् इदन्ते मुखाम्भुज अवाक्तनीलय वृतं कुन्तलय स्निग्ध रक्तैश्च गोप मुशुम्भितं बिम्ब रक्तादरं मे मनसा विरा अलङ्लक्षलाभे नमो देवदामोदरायन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिविष्टाति दीनं वतानो गृहामि समाग्रीश कुबेरात्मजो बदमो तैव जदव तया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भोक्ते सकां मे प्रजच नामोक्षिभो मेऽस्ति दामोदरे नमोऽस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने
राधिका प्रिया नमो राधिका ओइ पदीय प्रिया ओइ नमो राधिका ओइ नमो अनंत लीलाय देवाय जय दामोदर राधा दामोदर राधा जय दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर की जय जय सीरा। सबसे पहले मेरे गुरुपाद बनो नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरण कमलों में आनंद करी साष्टांग धन्यवाद प्रणाम। तदनंतर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव वृंद मातृगण वृंद सज्जन भक्त वृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंड प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग दामबंधन के लीला कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग ये श्रवण किया ये माँ यशोदा अर्थात मैया ने जब वापिस आकर देखा क्या दधि भांड फूट गया है, फूट गया कि नहीं, जिससे तरल दही की धार वह बह रही है। मैया समझ गई कि वह एक कृष्ण ही ऐसे कार्य किया। इस कथा हमने श्रवण किया। हाँ, कृष्ण ने क्या की उस घर को छोड़ करके कहाँ चले गए, दूसरी कक्ष में गए और जाकर के जहां पर छिके पर मक्खन रखा था उस उखल के ऊपर चढ़ करके मक्खन को उतारने लगे और उसके कौए और बंदरों के जो है खिलाने लगे। इस संदर्भ में हम लोग स्मरण किया। कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे मैं रामलीला में बंदरों को मैं कुछ खिला पिलाया नहीं, मेरे पत्नी सीता हरण की सेहत कितनी सहायता की है। इसे थोड़ा बंदर को भी खिला देता और कौए रामलीला में कौए भी ये लीला कथा भी वर्णन है। एक बार जब भगवान रामचंद्र अब छोटे थे माँ कौशल्या ने बालक रामचंद्र के हाथ में कटोरी दे दिया जिसमें कोई भोजन सामग्री थी। माँ कौशल्या ने किसी कारण से दूसरे स्थान पर चली गई
इतने समय निकट में जो कौए जो है वही काकभूषण जी है, वो देख रहे भगवान रामचंद्र के ऐसे सुंदर बाल रूप के दर्शन कर, तो दर्शन करके काकभूषण के मन में ये भावना जगी कि प्रभु की थोड़ा उच्छिष्ट मुझे प्राप्ति हो जाए। भगवान की उच्छिष्ट सभी तो प्राप्त करना चाहते, मिलना चाहते, तो गए। जब कोई निकट में आने लगे तो बालक राम ने क्या कि रोना शुरू कर दिया। इसको देख करके काकभूषण के मन में विचार क्या बात है, स्वयं भगवान है कि नहीं है, भगवान कभी रोते हैं? भगवान रो रहे है। तो इसी को देख करके उनके मन में एक शंका हुई, किसका? काकभूषण के मन में शंका हुई, किस स्वयं भगवान राम है कि साधारण एक बालक कोई किया है जिसका नाम राम राम रख दिया है। ऐसे विचार करने लगे। फिर और निकट में जब आए बालक और भी रोना शुरू कर दिया, और राम ने किया कि वो कोई को पकड़ने के लिए प्रयास किया। काकभूषण जी मन मन विचार करने लगे, कोई साधारण बालक हो तो मुझे तो मार ही डालेंगे, हाथ में पकड़ लिया तो बच्चा को कैसे पता है कैसे पकड़ना है, है? तो काकभूषण जी के मन में जो शंका हुई तो अब वो उड़ भागने लगे। भगवान क्या करते, किसी के हृदय में कहीं शंका हो, डाउट हो, जो संदेह के क्या करते, दूर करते। काकभूषण जी जब उड़ने भागने लगे और उसके पीछे बालक राम भी हाथ ऐसे करके चल, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भी घुमा दिया, और काकभूषण ने पीछे घूम करके देखा वही राम, बालक राम जो उसके पीछे हाथ दिख रहे थे। तो मानी मानी विचार करने लगे, तब समस्त भ्रमण करते करते जब थक गए तब प्रभु के चरण में शरण ले लिया। प्रभु जी क्षमा करो, मैं समझ गया आप वही परब्रह्म भगवान राम है। इसलिए काकभूषण जी के अनुभव है, अनेक कथाएं भगवान रामचंद्र की, अनेक कथाएं है। एक बार गोरु जी के भी मन में भी शंका हो गया, जब राम लक्ष्मण जब नागपाश में बंध गए है, और नागपाश में बंद करके मूर्छित होके पड़े हुए, और नारद ऋषि जा करके गुरु जी को बोले, गुरु जी आप देखो आपके प्रभु के लीला देखो। गुरु जी के मन में भी शंका हुई, ये परब्रह्म भगवान राम है ये कैसे उदय, जिनके नाम लेते ही भव सिंधु सुखाए, और उनके नाग सर्प कैसे उसके बंद कर रखे, विश्वास नहीं। बाहर आए कौन, गुरु जी बाहर आकर के आए, देखा तो सचमुच राम और लक्ष्मण नागपाश में बंधा हुआ है, और गुरु जी थोड़ी निकट में आने से ही सारे नाग सर्प सांप कह के सब चले गए। उनके मन में और भी शंका, गुरु जी मेरे अंग की गंध से ही सारे नाग चले, आप प्रभु ऐसी कैसे बंधे हुए, तो उनके मन में भी शंका हो गया, ये पर ब्रह्म भगवान ये राम है कि नहीं, राम लक्ष्मण है कि। इसलिए गरुड़ जी महादेव के पास गए पूछने के लिए है? महादेव जी कहने लगे, हे गरुड़ जी ये पर ब्रह्म भगवान राम है ना, गुरु जी ने बताया नहीं, क्या बोलूं मैं? शंकर जी बोले, देखो इस तुम्हारी शंका दूर करने के लिए तुम जाओ हिमालय के चट्टी के ऊपर, वो काकभूषण जी बैठे हैं, वो तुम्हें बताए।
उस समय देवी पार्वती कहने लगी, आप क्यों नहीं बताया ये परब्रह्म भगवान, इसके संकाग जो है आप क्यों दूर क्यों नहीं कर किया, आप तो संग जानते हो। तो उस समय कहने लगे महादेव जी, कहने लगे देखो ये पक्षी जाति है और ये अहंकार भी रखते हैं, कौन गरुड़ जी, ये मैं पक्षी समाज के सबसे श्रेष्ठ पक्षी राज हूं। और कोई क्या है, पक्षी समाज के सबसे निकृष्ट पक्षी माना जाता है। और ऐसे निकृष्ट पक्षी के पास जाए और उनसे सुने तब इनकी शंका दूर हो। तो अब गरुड़ जी उड़ते उड़ते जब गए हिमालय के उच्च सोच चोटी पर, देखा क्या काग भूषण जी एक ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और समस्त पक्षी समाज उनके चारों तरफ घूमकर घेर करके बैठे हुए हैं और उन्हें राम कथा कीर्तन कर रहे थे। गरुड़ जी इतने पक्षी राज होने पर भी वो देखा जो इतने हजारों पक्षी सब बैठे हुए और बिल्कुल पीछे जाकर के बैठे। कथा जब समाप्त हो गया तो गुरु जी काग भूषण जी के पास आकर के यही प्रश्न पूछा, या भी मर्त्य लोक में पृथ्वी लोक में जो राम और लक्ष्मण जी लीला करें, क्या वो साक्षात भगवान है, परब्रह्म भगवान है कि नहीं। तब उस समय काग भूषण जी सारे अपने जीवन कथा भी श्रवण कराया सुनाया, हे गुरु जी मेरे भी जीवन में इसी प्रकार एक बार डाउट, ये परब्रह्म भगवान है, क्योंकि भगवान जो लीला करते हैं कैसे लोकवत्तो लीला कई बोलो मनुष्य वहां से लीला करते हैं, उनकी बाहर की जो आचार आचरण क्रिया आदि देख करके सामान्य मनुष्य के बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार काग भूषण जी जो है गरुड़ जी के अनेक उपदेश दिया दिया कि नहीं दिया। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान ये कृष्ण मन मन विचार करने लगे, मेरे राम लीला में मेरी काग भूषण जी और बंदरों जो है अनेकों जो है सहायता की, लीला की सहायता की, इनको भी कुछ खिलाना चाहिए, जिन्होंने मेरे लिए इतने कुछ किया मैं तो कुछ खिलाया नहीं। इस संदर्भ में मैंने कहा था कि कहीं गुरु वैष्णव के चरण में मेरा अपराध ना हो जाए, उसके ध्यान रखना चाहिए। अधिक रूप में अपराध किससे हो जाता है, मर्त बुद्धि के ध्यान में अपराध हो जाता है। मर्त बुद्धि होने मनुष्य सामान्य मनुष्य बुद्धि होनी चाहिए, गुरु सु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, वास्तव में गुरु के प्रति सामान्य मनुष्य बुद्धि हो जाता है। गुरु सु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णव पे हम क्या करते हैं, ये कौन सा जाति का है, ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है शूद्र है न वैश्य है कौन, जो हरि के भजे सो हरि का, ये भगवान के जो भजन करते हैं वो भगवान की भजन, इसलिए हमारे जात पात पूछे नहीं कोई है। ऐसे भावना जब तक तो इस बुद्धि जब नहीं आ रहे हैं तब हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में कहा गया ये भगवान के भजन हम कैसे करें है? क्योंकि जितना हम गुरु सेवा करते रहेंगे गुरु सेवा के फल स्वरूप सभी हमारे हृदय में अपने आप प्रकटित होगा। गुरु कृपा कैसे होते हैं, हार्दिक वाचिक और
आलोकदान, हार्दिक हृदय से सब कुछ प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व को प्रकट कर दिए। और दूसरी हार्दिक वाचिक वचनों के द्वारा, शब्द के द्वारा, जब तुम्हारे हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाए, माय हार्टली ब्लेसिंग टू यू, चलो हृदय में हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जैसे नारद ऋषि को क्या बोले, मृगारी को, जाओ तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो, तो मृगारी क्या की, नारद ऋषि के चरण में समर्पित कर दिया। एक दिन नारद ऋषि जंगल में गए, देखा क्या जंगल के दोनों तरफ जो है, रास्ते के दोनों तरफ अनेकों पशु के जो है अर्धमृत प्राय होकर पड़े हुए, शरीर से खून लथपथ होकर प्रवाहित हो रहा था, उनके शरीर में इतने खून, उसके देख करके नारद ऋषि को बहुत दुख हुआ। जब आगे बढ़े देखा एक वैद्य शिकारी जो है और तीर धनुष लेकर के खड़े, नारद ऋषि जब गए और उसके देखते ही वो मृगारी बहुत क्रोधित हो गया, अरे आप संत महात्मा जी आने की क्या जरूरत है, यदि आपकी हिरण की चमड़ा की जरूरत होती है, उस समय संत महात्मा कैसे बढ़ते थे, हिरण की चमड़ी पर बढ़ते, इसे वज्रासन कहा जाता है, क्या बताया, वज्रासन कहा जाता है, वज्रासन आसन, वज्रासन योगी अधिक रूप में योगी लोग उसके व्यवहार करते हैं, तांत्रिक लोग किसके बोलते हैं, बाघ जो है शेर और बाघ के जो है उसके चमड़ा के ऊपर बैठते हैं, देखा है ना, देखा नहीं, फोटो में देखा है। और वैष्णव लोग किस में बैठता है, है? कुछ ग्रास में बैठे को भी कहाँ बैठे, कुछ कुशासन है, किसमें बैठना चाहिए, अरे पवित्र आसन में बैठो, कलयुग में पवित्र आसन में बैठना चाहिए, जिससे तो आपके कंफर्टेबल हो, आसन से। तो कहने लगे, यदि कहने लगे, वो बहुत गुस्सा हो गया, कहने लगे यदि आपकी जरूरत हो तो मैं आपके घर में ही भेज देते, इधर आने की क्या जरूरत। नारद ऋषि बोले मेरा यहां पर आने के कारण मैं पहले इसके बाद में बताता हूं, मैं आपके निकट एक प्रश्न पूछता हूं, जब मैं जब आ रहा था देखा रास्ते के दोनों तरफ अनेक जो पशु जो है, पशु पक्षी सब अर्धमृत पाए हर के बैठे, किसके पैर काट गया, किसके पंखा काट गया है, इसके छत्ती से लुहा लुहान हो रहा है, खून प्रवाह हो रहा है, खून बह रहे हैं, ये किसने किया, वो कहने मैंने किया, कौन, मृगारी कर मैंने किया, देख और ये विद्या मैं अपने पिताजी से ही प्राप्त, ये पशु जब अर्धमृत होकर के ऐसे तड़पते रहते हैं, उनके पैर आदि ऐसे तड़पते रहते हैं, उसको देख करके मेरा बहुत आनंद होता है। नारद ऋषि कहने लगे क्या पता है तुम्हें, दूसरी जन्म में तुमको यह पशु और पक्षियों के जन्म लेना पड़ेगा, और वही पशु पक्षी तुम्हारे भी कटेगा, तुम संसार में यही तो चलते, इसीलिए कहा जाता है कर्म चक्र कहा जाता है, therefore every action is equal and opposite reaction, जैसे जैसे हम कर्म करते जा रहे हैं उस कर्म की फल हमारे पास आ रहे हैं। इस संसार में कोई सुख देने वाला भी नहीं है और कोई दुख देने वाला नहीं, ये सुख दुख कैसे हमें आ जाता है संसार में,
अपने अपने पूरे जन्म में जैसे जैसे कर्म किया है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, तुम्हारे वजह से ये हुआ, तुम्हारे वजह से ये हुआ, होता है ना घर संसार में, यही तो झगड़ा चलते हैं है? वास्तव रूप में जो कुछ भी होता है सब जीवों की अपने अपने पूर्वजन्म के कर्म की फलस्वरूप होता है, है कि नहीं? इसी को जब हम समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तब सब समाधान अपने आप समाप्त हो जाता है। इसको आप समझे, समझने के प्रयास करें, किंतु कौन समझे इसको, हजार बोले होता है कुछ है, इसके वजह से मेरा हो गया, इसके वजह वास्तविक सत्य नहीं। सब अजीव अपने इंडिविजुअली, सब जीवात्मा के अपने अपने कर्म के अनुसार सब करते जा रहे हैं। ये कर्म की समाप्ति कब होगा इसके लिए हम प्रयास करें है? क्या बताए, कर्म की फल हमें कब समाप्त, कैसे होगा, कैसे समाप्त होगा, एकमात्र प्रभु के नाम के द्वारा। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा श्रवण कराया, अजामिल की कहानी कहने की तात्पर्य यही है, जी भी संसार में पाप करते हैं तो पुण्य भी करते हैं, पुण्य और पाप ही करते जा रहे हैं, इस पुण्य पाप और पुण्य के फल स्वरूप जी संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। पाप रहे उसे भोगना पड़ता है, और पुण्य करें उसके भी भोगना पड़ता है। पुण्य में क्या भोगते हैं, सुख भोगते हैं, और पाप में दुख, यही तो कहा। इस सुख दुख की समाप्ति कब हो जाता है, भगवत नाम, बोले नाम तो बहुत दुर्गत है, नामाभास में ही पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए नारद ऋषि मृगारी के समझाया है, बोले वो नारद बोले हमें तो विश्वास नहीं है, अगले जन्म में हम थोड़ी आएंगे, हम पशु होकर के आएंगे ना पक्षी होकर के आएंगे, तो नारद ऋषि उनके अनुभव करा दिया है, और देखा साक्षात वो समस्त पशु आदि जो है मानो अस्त्र लेकर के आए इनको मारने के लिए, तो उसको देख करके नारद ऋषि देख करके फिर मृगारी नारद के चरण में पड़े, और फिर कहने लगे कि तुम उसे शिकार मत करो, अरे हम तो यही हमारे काम है, हम तो पशु शिकार करके अपने जीवन निर्वाह करते हैं, क्या करें। बोले नहीं देखो, तुम भगवान प्रभु के नाम ग्रहण करो और ये तुलसी सेवा करो, बोले तैसे हमारा जीवन हो जाए, बोलो इससे मुझे सब मिल जाएगा है। लोग कह रहे हैं कि तुम भगवान के नाम करने से कुछ होता है, है? तुम लोग गौड़िया वैष्णव के चक्कर में आ गया, इसलिए तुम्हारा क्या हो रहा है, बीमारी आ गया तुम बाप में, ये संत महात्मा के कहां गौड़ी मठ के चक्कर में आ गया, आ जाने से तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। हाँ कोई का कोई बोल रहे हैं मुझे, अरे तुम्हारे बीमार पड़ने के कारण ही है ये, साधु महात्मा के मंदिर के ज्यादा चक्कर मत लगाओ है। हाँ देव देवी मंदिर के जाओ चक्कर लगाओ, कोई बात नहीं, देखो लोगों की बुद्धि कैसी है, वो क्या करते हैं, देवी पूजा करते हैं क्या, उसके लिए कोई मना नहीं करेंगे, करेगा है? और ठाकुर जी के संग कृष्ण की सेवा करने की कोई आए सब तुम्हें पीछे पड़ जाएगी, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तुम्हें देवी पूजा आठ दिन ना नौ दिन क्या नवरात्र पालन कर रहे हैं सबके, हाँ अच्छी बात,
कोई एक व्यक्ति भी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, बोलेगा छापट कर हाँ जी कर है बहुत अच्छा जी। और कृष्ण की थोड़ा एकादशी व्रत रख लिया मंदिर में जाकर के, मैंने एक बार तुम सिर टिकाया मैंने प्रणाम किया, उससे सब भड़क जाएंगे। देखना यही तो विचित्र संसार है। आप लोग सौभाग्यवान है इतने संसार की है लंचना गंजना गंजना सुनकर के तब भी आ जाते हो है। आप लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं, सुबह यार काम नहीं है कुछ है। हाँ छोटी उम्र में क्यों आ गए, जब बड़े होंगे तब भजन करना, जब बुढ़ापा आ जाए, अभी तो छोटी उम्र है, है? बोलते क्या ना तुम्हें हाँ अभी कुछ करना नहीं, अभी लिखा पढ़ा सीखो है, खाओ पियो मस्त करो, टीवी देखो और क्या क्या करो, कोई बात अच्छा बुढ़ापे में भजन होता है, वृद्ध काल में भजन होता है, है? कुछ होता नहीं, ये संसारिक विचित्र। चलिए नारद ऋषि कहने देखे एक काम करो है? ये तुम पहले ये तीर और धनुष को क्या करो तोड़ डालो, तोड़ दो। देखो नारद ऋषि कहने के साथ ही साथ वो मृगारी ने क्या किया, तोड़ दो, विश्वास हो जाते ना। और उसे कहे तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ब्राह्मण के दान करके यहां पर तुलसी सेवन करो और हरिनाम करो। नारद ऋषि कौन सा मंत्र तो दिया होंगे शायद, कौन सा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इस मंत्र के जप करो है। देखो इतने फल मूल और भजन की सामग्री वस्त्र इतने आ जाएगा, क्या बताएं, तुम्हारी जितना जरूरत है उतना ही रखना और बाकी सब लोके बांट देना। देखो मृगारी ने नाद के वचन के विश्वास पर भजन करने शुरू कर दिया, मृगारी ने भजन करने शुरू कर दिया तुलसी जल और इस मंत्र, और रोज तुलसी में जल देना पानी देना चाहिए ना, देते हैं कि नहीं, कभी कभी भूल जाते, कार्तिक महीने में हर रोज देना चाहिए है, हमेशा ही देता तो मन ही मन दे देना, यदि घर में तुलसी के अभाव हो माने सूख जाते हैं ठंडी के समय। हाँ क्या बताए, तुलसी और भगवत नाम जप करने, वही एक ही मंत्र, कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव। देखो मृगारी इस मंत्र की जब जप करने लगे चारी तरफ है लगे जी, वो निष्ठुर वैद शिकारी क्या बन गया, आज साधु बने, भक्त बने, इतना उनके लोग आने लगे है आश्चर्य। लोग कहते हैं ना आपका भगवान के भजन में कुछ मिलता है, और भगवान के भजन करो घर में और भी क्या होता है, क्लेश होता है, झगड़ा होता रहता है, होता है कि नहीं है, अरे झगड़ा इसलिए होता है सब गोपी है ना, गोपी भाव में भजन करते हैं, गोपियां भी घर में रहती थी है, और कृष्ण के वंशी धनी सुन करके सब चल जाते हैं, झगड़ा किस घर में नहीं होता है, होता है आपके घर में नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है सर आपके घर में होता ही नहीं, होता है, अरे हाँ तो ना बोलो, ये बोलते हैं रोज होता है रोज को थोड़ी होता है हर रोज हैं,
हैं? अभी झगड़े शुरू वो तो कहेंगे मंदिर में मत जाओ, भजन मत करो, यही भी है। क्या करें, यही तो विचित्र विचित्र भगवान, विचित्र संसार है, है? एक दिन नारद ऋषि, ओ कौन से ऋषि, देखो चलो हमारे वो शिष्य क्या कैसे भजन कर रहे देखने के चलते। जब नारद ऋषि दूर से आने लगे, जब नारद ऋषि आने लगे, देखो वही मृगारी, और नारद ऋषि के देख करके प्रणाम करके निकल जा रहे हैं। और देखा छोटे छोटे जो है चिट्टियां जो है घूम रहे थे। मृगारी मन मन विचार करने लगे कि मैं प्रणाम करूं तो चिट्टियां क्या हो जाए, मेरे शरीर के भार से दब जाएगा, मर जाएगा शरीर में। देखो इसी के कहा जाता है पर दुख दुखी, कहीं किसी के कष्ट न हो जाए। पहले क्या करता था वो, कितने पशु के और पक्षी को मार डालता था, आनंद होता था। अभी छोटा सा एक चिट्टियां जो चिट्टी जो है मर जाए व कष्ट हो, उनके हृदय द्रवीभूत हो रहा है, पर दुख दुखी का वो हाथ से वो अपने कपड़े से धीरे धीरे वो चिट्टियों को क्या हटाने लगे और प्रणाम। नारद से देख देख करके वो ऋषि कौन सा नहीं जो उनके साथ जो ऋषि गए थे, नाम भूल जा रहा, अरे देखो है पर्वत मणि, देखो पहले कैसे निष्ठुर था है? जितना हम भजन करेंगे तब क्या होता है, हृदय द्रवीभूत होता है, दूसरे के दुख देख करके अपना हृदय द्रवीभूत होता है। संसार के जीव इतने दुखी है, दुखी किस लिए है, हरिभजन नहीं कर रहे। जितना हम हरिभजन करेंगे और उतने हमारे हृदय द्रवीभूत रहे, दूसरे के दुख दिखाया, ये सब लोग भगवत भजन नहीं कर रहे, इनकी गति क्या हो है? जो कृष्ण के भजन छोड़ करके दूसरे देव देव के भजन करते हैं, वो पूरा इस पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है उसको है? किंतु इस बात को कोई सुनना नहीं चाहते, चाहते ये तो अर्जुन भगवान के ही प्रश्न पूछा, ये आप कहते हो तो आप तो सर्वेश्वर हो, भगवान हो है? तो दूसरी देव देव के लोग क्यों भजन करते हैं? भगवान ने क्या उत्तर दिया, काम स्तस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। संसार के जीव माया में इतने मोहित हो जाते हैं, हृदय में इतने संसारिक कामना वासना जो है रहता है, उस कामना वासना की पूर्ति के लिए दूसरी देव देव के निकट चले जाते हैं। वो समझ में नहीं पाते किसमें मेरा हित हो और किसमें अहित हो, यही तो कहा है। इसलिए कहते काम स्तस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, दूसरी देव देव के पास चले जाते, सोचते तो इसमें कुछ मिल जाए उससे कुछ मिल जाए, एक देवी के छोड़ करके दूसरी तीसरी चौथी कितनी, और फिर सोचते हैं किसी के दुख देना नहीं चाहिए, किसी देव देवी के दुख देना नहीं चाहिए, सबके भजन करो है। आज घर में जितने जहां पर जो कुछ भी मिल जाता है सब मंदिर में सब रख देते, अपने छोटा एक मंदिर बना दिया उसमें क्या रखते हैं, सबको विराजमान कर देते हैं। रास्ते में चलते चलते कोई पत्थर भी मिल गया
है उसके ही वो क्या मानने लगे, बोले शालग्राम है, है? और वो भी कहते हैं मुझे ये जो ठाकुर ये शालग्राम मेरा सपने में आ गया ठाकुर जी का है? और कितने देव देवी के लागे किसको छोड़ते ही नहीं है, कोई नाराज ना हो जाए, क्या बोलते हैं, और घर में हर रोज नाराज है सब है, घर वाले सारे नाराज, नाराज तो होगा इतने सारे के रख दे तो क्या करे, सारे देव देविया घर में हर रोज क्या करते हैं, लड़ाई शुरू कर रहे हम इसलिए कहते देखो ना, हम इसलिए कर रहे हैं नारद ऋषि कैसे कृपा कर दी किसके ऊपर, मृगारी के ऊपर हार्दिक बातचीत कहा जाते वचनों के द्वारा शब्द दे दे, जिस दिन हमें गुरु वाक्य के ऊपर गुरु के वचन पर विश्वास हो जाए तब उस दिन भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए, अभी विश्वास तो है किंतु विश्वास पक्का नहीं है, कच्चा है अभी, कच्चा है कि नहीं है रसोई बनाते बनाते हैं रोटी बनाते हैं, यदि ठीक से नहीं नहीं पका तो हम लोग क्या करते हैं, कच्चा रोटी, कच्चा रोटी खा जाओगे खाने का अच्छा नहीं, ज्यादा भूख लगे तो क्या चलो आ जाए है, जैसे भी तो हम इसलिए कह रहे हैं ये हार्दिक बाचिक और आलोकदान गुरु और भगवान की कृपा कैसे होते हैं, आलोकदान माने दृष्टि के द्वारा दृष्टि के द्वारा ही वो कृपा कर देते, इसके उदाहरण कौन है, सुखदेव गोस्वामी पाद के लिए कह रहे हैं, जंग प्रभजंतो मनुपीतो अपीतो कृतम दैपायन विरह कातरो आजुआव पुत्रेति तन्मय तरो भी नेदु तं सर्वभूतो हृदय मुनि मानुतो अस्मिन, तो गोस्वामी पाद कह रहे हैं देखो सुखदेव गोस्वामी पाद मातृ गर्भ से जन्म लेने के पश्चात कहां जा रहे हैं, जंगल के उदोड़ रहे, उनकी दर्शन से उनकी दृष्टि जहां तक भी पड़ गया सभी प्रेम में डूब गए सब, इसके दर्शन दर्शन से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता, वैष्णव कहते हैं दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा गंगार परस होली पश्चात पावन वैष्णव दर्शन पवित्र, इसलिए सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि जहां पर चलेगी तब पवित्र और उत्तम महाभाव, इसलिए इसलिए पेड़ पौधे आदि भी क्या कर रहे कृष्ण दर्शन से प्रेम में आप्लुत हो गए, प्रेम में डूब गए, जंग प्रभजंतो मनुपीत अपेत कृतम द्वैपायन विरह कातर, द्वैपायन माने वेद व्यास जी है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे, किस लिए जो दौड़ रहे, माया मोह से नहीं, किस लिए दौड़ रहे, अरे ऐसे पुत्र संतान मुझे प्राप्ति हुई उसकी मैं सारी संपत्ति देख के जाऊं, और वो कहां जा रहे भाग रहे हैं, जंगल के तरफ जा रहे हैं, कोई माता पिता चाहते हैं ये मेरा पुत्र संतान सन्नास ले ले, दूसरे के बेटा सन्नास ले कहते हैं तू अच्छा है, और अपना बेटा नहीं नहीं वो घर में रहे है, है कि नहीं चाहती हो आप, नहीं चाहती है मेरा बेटा सन्नास ले क्या पहले तो अपने तो ले अपने सन्नास नहीं लेंगे, अपने छोड़ेंगे नहीं, और बेटा के कहते तो सन्नास ले, अब बेटा जब बड़ा हो जाएगा कहते पिताजी आप तो लिया ही नहीं
आप तो पहले लो, मजेदार कथा है कि नहीं? अपना भजन नहीं करेंगे बेटा, तू भजन कर है? नहीं, अपने भी भजन करें और पुत्र संतान की भी भजन में, जैसे आप लगाते हो, लगाते हो कि नहीं? अपने भी भजन करते हो और अपने पुत्र संतान के भजन, अपने तो भजन को देखो, ये जरूरी नहीं है आप भक्त बन गए जो आपके भक्त अपने संतान भी भक्त बने, है? देखा जाता है संसार। हिरण्यकश्यप कौन थे? असुर था, और उसके पुत्र प्रहलाद बने, प्रहलाद भगवत भक्त बने कि नहीं? और प्रहलाद के पुत्र विरोचन भक्त नहीं, क्यों? पिता भक्त हो गया और पुत्र, और विरोचन के पुत्र हुए बलि मां, तात्पर्य यही कथा यही बताते जा रहे हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, लेकिन साधारण रूप में हम लोग कहते हैं लाइक फादर लाइक सन है, किंतु ये नियम सब जगह में लागू नहीं होता है। होता है, आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा पुत्र समझो सभी भजन करें, जब छोटा रहता है ना बहुत कुछ करते रहते, और जब बड़ा हो जाता है ना आपकी एक ही बात भी नहीं मानी, देखा देखा कि नहीं? देखा क्या देखा? जब छोटा होते ना माता पिता के साथ मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, सब करते रहते रहते, जब थोड़ा स्कूल कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया चोटी भी रखते नहीं कर देते है? चोटी भी नहीं रखते है? और वो उसके वो क्या बोले, जनेऊ भी क्या करते हैं? काट कर फेंक देते हैं, कि उनकी संगी साथी जो है, पता ये सब क्या रखना है? बहुत ऐसे उदाहरण देख कर, और कोई जो है बचपन में भजन नहीं करते है, फिर आगे जा करके देखा तो वैष्णव भी बनते हैं, भजन करता है, देखा बहुत है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, बोले साधु के कब गुणगान करो, जब मर करके छाई भस्म हो जाए, उसके पहले जो कर रहे हो ना वो केवल दिखावटी है सब। समझ में आया कि नहीं है? क्या बोला? बाद में करना, अभी ज्यादा मत करो है? थोड़ा उत्साह देने के लिए करते रहते हैं, किंतु वास्तविक सत्य है, बहुत दिखा है इसी, कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, आया राम और गए राम, बहुत भजन बहुत दिखाते, ऊपर से दिखाते रहते, और फिर कुछ समय के बाद बिल्कुल हवा हो गया, हवा समझते हो, गायब हो गए, कहाँ गए? कालू कौन बता रहे थे ना, बोले आप गोड़ी मठ में जाते ना? हाँ जी, बोले मैं भी जाता था, बोले जाते नहीं क्यों? आज समय नहीं, पहले और रोज मंदिर में आते थे, झाड़ू लगाते सब कुछ, फिर कुछ समय के बाद देखा क्या कहा, बोले आज टाइम ही नहीं है, करता ही नहीं, थोड़ा तो हरिनाम करो कम से कम, वो भी करता ही नहीं है। किंतु देखो सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे उत्तम उत्तम महाभागवत दृष्टि किसी के ऊपर हो जाए है, तब सब कुछ तुम्हारे लिए। श्री जो श्लोक कह रहे हैं, यजं प्रभजन्तो मनुवित अभेद वृत्तम दैतान विरह कातर आजुहाव पुत्री दे तन में तरो भी नहीं दो तम सर्वभूतम हृदय मुनि मान तुस्मि। कौन बोले इस श्लोक? कौन बोला? सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषि के निकट बता रहे हैं। अरे आप लोग के निकट जो मैं जो एक प्रसंग याद है,
ये शनकादि ऋषि लोग आज ही प्रसंग आ जाए, काल बोलना था समय नहीं था। ये और इन लोगों ने शनकादि ऋषि लोग सुखदेव गोस्वामी गोस्वामीपाद के निकट 6 प्रश्न पूछा था। कितने प्रश्न याद है कि नहीं है? एक प्रश्न बताओ, पहले प्रश्न क्या था? जीवों की श्रेय वस्तु क्या है? एक श्रेय होता है, एक प्रिय होता है। दूसरी प्रश्न क्या था? जीवों के जो आत्म कल्याण किसमें हो उसके बारे में बताइए। तीसरी प्रश्न क्या था? भगवान किस कारण से, वासुदेव भगवान किस कारण से देवकी और वसुदेव के आश्रय करके प्रकट हुए, उनकी लीला चरित कथा हमें श्रवण कराई। चौथे प्रश्न यह था, भगवान के जो जितने भी अवतार आदि जो है उस अवतार की कथा हमें श्रवण कराई है। पांचवा प्रश्न क्या था? लास्ट में सर कृष्ण की और जो अनेक जो है लीला कथाओं के जब से श्रवण कराई, अर्थात उनकी बाल चरित कथा, बाल लोक किशोर जौवन आदि ये समस्त लीला कथा हमें श्रवण कराई। छठा प्रश्न जो ही था, कृष्ण सधाम अपगते, जय संग भगवान कृष्ण समस्त लीला आदि करके जब नित्य धाम में चले गए उस समय धर्म किसके आश्रय लिया, ये कथा में चयन सुनी। ये 6 प्रश्न पूछा। यही प्रश्न उत्तर देने के पहले सुखदेव गोस्वामी पाद सुखदेव गोस्वामी के चरण वंदना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी जो श्रीमद् भागवत जो श्रवण कर रहे हैं वास्तव इसके श्रोता वक्ता कौन है? कौन? ठीक से बोल, काल तो बोला था सोनो का दे, ये नमीशरण की कथा आ रही है, इसलिए काल मैंने बताया था, ठीक ध्यान से नहीं सुनते है? ये भागवत की अधिवेशन जो है, सत्र जो है, कथा जग जो का जगह अनेकों जगह में ही हुई है। भागवत कथा तो शिव जी से लेकर के सभी जगह में विभिन्न स्थान पर कथा हुई है। स्वयं शिव महादेव जी इस कथा को पार्वती की भी सुनाया, कहाँ पर? अमरनाथ है। अमर कथा को कहा जाता है, भागवत कथा किसलिए कहा जाता है? अमर कथा भी कहते हैं, अमरनाथ कथा। अनेकों प्रकार स्वयं भगवान नारायण भी, लक्ष्मी की भी सुनाया, ये समस्त अनेक स्थान पर अनेक कथा हुई, किंतु वास्तव रूप में 3 जो सत्र जो है, सत्र समझते कि नहीं, अधिवेशन जो है एंड सेशन सिटिंग जो, अच्छा ये हुआ बद्रिका आश्रम जो है, कहाँ पर हुआ? सरस्वती नदी के तट पर। काल सुना है कि नहीं सुना? अच्छा भूल मत जाओ, तो क्या तुम्हारे लिए विमान नहीं आएगा फिर? विमान में बैठना नहीं, तुम लोग चला गए, जाना नहीं चाहते हो, बोले मेरा बेटा मैं चला जाऊं है तो मेरा बेटा बेटी क्या करे, क्या होगा? आप लोग भी चला गए ना कथा सुन लिया तो क्या आएगा, विमान आ जाएगा ना है, तो उसमें चढ़ना पड़ेगा इसलिए आप लोग अच्छा किया हाँ पहले क्या बोला था? बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर, याद रखने में ये व्यास नारद संवाद है। संग नारद ऋषि व्यासदेव जी को इस कथा को श्रवण कराया है। दूसरी अधिवेशन गंगा नदी के तट पर, सुख परीक्षित संवाद सुप्ताल। और तीसरी अधिवेशन अभी जो हम भागवत जी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तो निमिषारण्य में गोमती नदी के तट है। सुत सोनो का
आदि संवाद का इस श्रीमद् भागवत में है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में है, चार नंबर श्लोक में, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर श्लोक में तो केवल वंदना कर दिया है, आज मंगलाचरण कर दिया, बस जन्मादश जता श्लोक, दूसरी धर्म प्रजित कोई तो वस्त्र, और तीसरी निगम कल्प गलित, इतने श्लोक के द्वारा बोले। अभी कथा प्रारंभ कहां से हुई, निमिषारण्य की कथा यहां से बोल है, चौथे श्लोक में आए निमिषे निमिषारण्य है, इसी से श्लोक प्रारंभ हुई है। और शुद्ध गोस्वामी पाद जब प्रकट हुए तो सनकादि ऋषि लोग अपने अपने आसन से उठे, कि वे लोग स्वर्ग आदि लोग बा धाम प्राप्ति आदि करने के लिए अनेक साल तक यज्ञ कर रहे, फायर सेक्रीफाइस कर रहे थे, किंतु जब भगवान की इच्छा से शुद्ध गोस्वामी पाद जब प्रकट हुए तो वे लोग अपने अपने कार्य आदि छोड़ करके आसन से उठे और शुद्ध गोस्वामी पाद के ऊंचे आसन आसन पर बैठाया, और तो फिर उनको निकट ये छह प्रश्न पूछा था, प्रश्न कथा जी, और शुद्ध गोस्वामी पाद उनके सारे प्रश्न के उत्तर दिए। प्रथम स्कंदे में तो सारे करीब चार प्रश्न के उत्तर ही दे दिया, बाकी दो प्रश्न जो है दूसरी दूसरी स्कंदों में जाकर के भी बताए, चार चार प्रश्न के उत्तर दिए, बाकी उसी कथा को, इस कथा को जो है स्वयं कह रहे हैं, हे सनकादि ऋषि लोग, मैं आप लोग निजी कथा जो बोल रहा हूं, ये कथा मैं साक्षात जो है सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद से मैं श्रवण किया। जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सभा में उपस्थित होकर के जो कथा सुनाया, वही कथा मैं श्रवण किया और उसी कथा को आप लोग के निकट मैं कीर्तन करता हूं। इसी को कहा जाता है गुरु परंपरा प्राप्त, भागवत पढ़ोगे ना, इसे वक्ता कौन है श्रोता कौन है आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, कौन किसके सुना रहे है? इसलिए ध्यान से श्रवण करना चाहिए। हाँ क्या बोला, ये सुखदेव गोस्वामी पाद कि किसी के जीवन में यदि ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद के दर्शन हो जाए, उनके दृष्टि मात्र से ही हृदय में सारे तत्व भाव अपने आप उदित हो जाए, इसलिए गुरु कृपा कहा जाता है। गुरु कृपा किस प्रकार होते हैं, तीन प्रकार, फिर पुनः करो, हार्दिक वाचिक और आलोकदान माने दृष्टि के द्वारा। सब जाते हैं गुरुदेव हमें ऊपर कृपा कर दो, दृष्टि कर, शुभ दृष्टि करो प्रभु, जागुक हृदय मोर, हर रोज बोलते हैं कि नहीं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति, मंगल निशांत लीला मंगल युग, मंगल आरती जागे वक्त शुभ है, तुम्हार निद्राय जीव निद्रित धरा तब जागरण जीव जागरित, फिर क्या करें, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत प्रभु, हे भगवान आप कृपा करके हमारे पर शुभ दृष्टि पाते, हम देख नहीं पाएंगे, हम भगवान के दर्शन करते ना, भगवान हमें दर्शन कर रहे, क्या बताओ, प्रभु हमें दर्शन कर है आज, क्योंकि हम तो अंधे हैं, अंधे व्यक्ति जो क्या दर्शन करने का नहीं पाते, हम इसलिए कहते हैं हाँ दर्शन करो, कैसे दर्शन करो, भगवत दर्शन शिव विग्रह दर्शन कैसे होते हैं, कानों के दर दर्शन होता है,
इसलिए कहते हैं आंखों के द्वारा दर्शन नहीं होता है, कानों के द्वारा दर्शन करो। है कान के द्वारा दर्शन होता है कैसे होता है? है? ये भगवत वैष्णव के मुखारविंद से जब ये श्रवण जो कर रहे उससे ही साक्षात में भगवत दर्शन हो जाते हैं। हम इस आंखों के द्वारा जो दर्शन करते हैं जड़ दर्शन हो जाता है, क्योंकि हमारे आंख क्या है, नेत्र आंख क्या है, जड़ है। और विग्रह श्री विग्रह क्या है? चेतन चिन्मय है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण है। भगवान की श्री विग्रह आदि चिन्मय है, भगवान किसी करुणामय है। विशेष करके कलियुग में भगवान तीन स्वरूप में साक्षात रूप में विराजमान है, नाम विग्रह और स्वरूप, इतने कभू नहीं भेद है, तीन भेद नहीं, तीन एक रूप, नाम विग्रह और स्वरूप। किंतु नाम की विशेष महिमा शास्त्र में बताई है, स्वयं महाप्रभु का कलयुग में मैं नाम रूप में ही सदा सर्वदा विराजमान रहूं। नाम ही प्रधान, इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या करने चाहिए, नाम ही करते रहो, नाम प्रधान है। ये नहीं कार्य जो गुरुदेव नामे आ चाहिए है? बोलते कि नहीं रहते है? गुरुदेव ने कहा थोड़ा तो ठाकुर जी का आरती कर दो, मंगला आरती कर दो। बोले गुरुदेव काल आपने बताया ना, नाम बिना नाम और कोई कुछ नहीं, रे नामे आ चाहिए। फिर गुरुदेव स्वयं आरती किया, फिर गुरुदेव ने ठाकुर जी के थोड़ा प्रसाद बना लो, बोले नामे आची, आपने नाम की महिमा बताया। तो गुरु स्वयं ही प्रसाद बनाया, ठाकुर जी की भोग लगा। अच्छा थोड़ा भोग तो लगा दो कम से कम, है बोले नामे आची। तो गुरुदेव स्वयं भोग लगाया ठाकुर जी की सेवा। तो गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है, जो किया किया, कोई बात नहीं है, अभी तो प्रसाद तो पाल होने बेकार हो जाएंगे है। आज कान खोल बोल रहे, हाँ आप बोल रहे थे, बोले संत महात्मा कैसे है, इतने चार आठ दस मधु के लिए भोजन बनाकर के लिए कोई खाया नहीं है, दुख होता है कि नहीं होता, नष्ट हो जाता है, बनाया क्यों, बनाना उनके कष्ट हो गया, बेकार चला गया, उतने समय बैठ करके हरि कथा सुनते अच्छा रहते कि नहीं। हाँ क्या बोला, नाम है आज। और गुरुदेव जब बोल रहे गुरुदेव बोले आज कोई बात नहीं बेटा, तू प्रसाद पा ले, दोपहर हो गया ना है, बोले गुरुदेव सुबह से लेकर के अभी तो आपके एक भी आदेश पालन, अभी नाम आपके आदेश अभी पालन कर रहे हैं। कौन सा आदेश है? भोजन जो कर, तब नहीं उस समय नहीं बोले नाम आची, समझते कि नहीं? अरे सब है तो दीदी बोलते हैं सब छे लगा दो क्या लगा देते आप केम छे सब छे लगा दो, हो गया तो आची नाम आज आप क्या बोलते हो है? हिंदी में क्या बोलते हो? नाम कर रहे हैं, वो बोलते हैं नाम करो छू बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं हार्दिक वाचिक और आलोक। फिर गुरु शिष्य के कैसे प्रतिपालन करते हैं ये भी शास्त्र में कहा गया, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसको भी वर्णन, ये सब जानना चाहिए ना, तब आपकी सारी शंका सब दूर हो जाए है।
गुरु शिष्य के कैसे पालन करते आप बताओ? सब भूल गया तुम। एक एक करके याद करते सब भूल जाते हैं। सब एक एक करके बता दो हो जाएगा। आप एक बोलो, एक बोलो। हैं? दृष्टि के द्वारा है वो भी पालन कर है? और दूसरी अपने साथ में रखते हैं। जैसे मछली क्या करता है, मछली जो है स्त्री मछली अपने छोटे छोटे बच्चे को एक साथ में रख उसके देख जो है पानी में उतरता है। और थोड़ी सी कोई विपद आ जाए वो क्या करता है, ऐसे शब्द करते हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे मछलियां वो भाग जाते हैं। देखे होंगे नहीं? पक्षी क्या करता है, पक्षी के भांति भी कार्य है। ये पक्षी अंडा देती है और फिर अंडे के ऊपर बैठ जाते है, उसके भी पालन पोषण करते हैं राग। और तीसरी दृष्टि के द्वारा है कछुआ जैसे है, अरे चिंतन करते वो हाँ एक दृष्टि के द्वारा चिंतन के द्वारा है ऐसे करके वो पालन पोषण करते। उसी प्रकार सदगुरु शिष्य के इसी प्रकार पालन करते रहते हैं। महाप्रभु कहाँ रहते थे, जगन्नाथपुरी, और रूप सनातन ये लोग कहाँ रहते थे, वृंदावन है। रूप सनातन महाप्रभु के चिंतन करते चैतन्य चंद्र चिंतनम। और देखो महाप्रभु के सारे भाव किसके हृदय में प्रकट हो गए, गोस्वामी वर्ग के हृदय में प्रकट हो गए। ये जरूरी नहीं है ये सब समय साथ में रहे है। तो इसी प्रकार शास्त्र में रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये भी वर्णन। अभी हम दामोदर लीला में ये जो कार्य कृष्ण की कथा हम छोड़ करके आए हैं। ये कृष्ण बाल गोपाल ने किया कि उखल के ऊपर चढ़ गए, जो उखल जो उल्टा करके रखा दिया रखा था है, और उस ऊपर चढ़ करके मक्खन लेकर के कोये और बंदर के खिलाने है। इतने समय माँ यशोदा कन्हैया तो है ही नहीं, कहाँ चले गए। पहले मां जसोदा के हृदय द्रवीभूत हो गए, कहीं मेरे बालक कहाँ चले गए पता। किंतु चोर कुछ भी काम भी करे कहीं ना कहीं तो उसे निशाना छोड़ करके चले जाते। बालक उस दिन में भी बताया जी, गोपाल जब दधि भांड के जब वो फोड़ दिया था और उससे जो तरल दधि आदि सब निकालने लगे और वो आराम से वो देख रहे थे, छोटा बालक है ना, लघुवत्त लीला कई वलम है, इतने ये इतने कहाँ से निकल रहे है। हम कहते हैं नल नल के पानी देखकर भी ये कहाँ से आता है, ये पानी कहाँ से आ रहे हैं, कभी पूछा माँ अपने माँ को कभी पूछा ये पानी से? आप तो सब जानते हैं टंकी से आ रहे, घर में टंकी रखा है, इसलिए बालक उसी प्रकार से थी, इतने दही कहां से आ रहे और ऐसे झक करके ऐसे देखने लगे है। किंतु बालक के पता नहीं है वो तरल दही जो है धीरे धीरे फलते फलते उसके चरण के भी गिला कर। इसमें भी एक रहस्य छिपे हुए हैं। मैंने कहा ब्रज में सभी वस्तु क्या चिन्मय है, है? मानो दही मन ही मन विचार करने लगे हे गोविंद मुझे छोड़कर के मत जाओ है। दही भी गोविंद के चरण आश्रय करे
ये भी शिक्षा भी देते हैं। तुम तो मुझे मटके से बाहर निकाल दिया है, दही जब नीचे फैल जाता है उसके पुनः क्या हो गया, उसके आप व्यवहार कर नहीं पाएंगे। इसलिए मानो दही यह भी विचार कर रहे हैं है, मैं तुम्हारी स्तर सेवा में नहीं लगा है। इसलिए मानो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, गोविंद के चरण स्पर्श करके हमें सेवा से वंचित मत करो, कम से कम तुम्हारे चरण में ही रखो है। उस दिन मैंने सुना राधा जी है, जब रात समाप्त होने के बाद यमुना के किनारे होती जा रहे हैं, और राधा जी के चरण में बालू लगे, और कृष्ण पीताम्बर के द्वारा कृष्ण कहने लगे राधे तुम्हारे चरण को मैं साफ कर देता, अपने पीताम्बर के द्वारा राधा जी के चरण साफ करने के लिए प्रयास किया। राधा जी क्या बोले, बोले क्यों, जो एक बार के चरण में आश्रय ले लेते हैं उसके मेरे चरण से वंचित मत करो। देखो हमारे विचार राधा जी के विचार में कितने अंतर है, है? इसे कहते हैं राधिका राधिका चरणाश्रय जेकर से महाश्रय अरे मुई जाओ बोलिया है। जो राधा जी के चरण को आश्रय कर लेते हैं वो महाभगवान है। इसलिए राधा राधा जी के भजन जो करते हैं वो कितने सुभाग्यवान। राधा भजन यदि मति नहीं भेल, कृष्ण भजन तब अकार नहीं गया, आत्म रहित तो सूरज नहीं मानी, राधा विरहित तो माधव नहीं मान। कितना सुंदरी भाव है हमारी भक्तिवन ठाकुर का। राधा जी के चरण जो सेवा नहीं करते उनके भांति दुर्भाग्य कोई नहीं, कोई नहीं। राधा जी की सेवा की महिमा दिखा देखो, राधा भजन यदि मति नहीं वे, जो केवल कृष्ण के भजन करते हैं वो क्या है, अज्ञानी है, है? के बोलो माधव पूजे सो अज्ञानी, वो अज्ञानी मूर्ख है, काले है? है राधा अनादर करे अभिमान, जो राधा जी को अनादर करते हैं, पूजा नहीं करते, राधा जी के आदर नहीं करते, सेवा नहीं करते है, वो मूर्ख है, दुर्भागा है। इसलिए राधा जी की सेवा, इसलिए हमारे गौड़ीय मठ में क्या रहता है, केवल कृष्ण के भजन नहीं करते, केवल राधा जी के भजन नहीं करते, जुगल की भजन है, है? इसलिए नौतम दास ठाकुर क्या करें, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरने गति हर नाही मोर, जुगल सेवा गांथिया मालतीर माला दिव दुहार गले, दुहार गले एक के नहीं, माला कैसे पहनाऊं, जुगल जुड़ी सरकार है, एक बड़े माला गंथ लो और गंथ करके दोनों के पहना है, आज तात्पर्य कहीं कोई कोई भग न जाए है, अच्छा है कि नहीं है, ऐसे पहनाओ जुगल जुड़ी सरकार एक साथ में, तात्पर्य क्या है, भावों की सेवा ऐसे है। इतने सुंदर से परिवार, इसलिए नौतम दास ठाकुर है करें गांथिया मालतीर माला दिव दुहार करें अधरे तुलिया दिव भरपूर ताम बोले सेवा आदि परिपाटी है। हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जाते है। हाँ फिर निशान पड़ गया है, गोपाल तो ऐसे देख रहे थे किंतु किसी पता नहीं है, दही चारी तरफ फैल गया और उसके चरण तक भी पहुंच गए है, तरल हो गया, दही तरल हो गया ना, इसलिए प्यार में लगे।
किंतु गोपाल के पता नहीं है। और वो उस स्थान के वो देखकर फिर उनके मन में भाई हो गया है, यहाँ पर रहे हूं तो माँ आकर के पिटाई भी करेंगे है। फिर उस स्थान के छोड़ करके दूसरी कक्षा में गए और दूसरी कक्षा में देखा वो छिके में जो मक्खन जो था उसके उतारने लगे, पोखल जो उलट करके रखा था उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके मक्खन निकाले है, और कोई और बंदर को खिलाने। माँ यशोदा अग्रदे गोपाल तो है नहीं और चारी तरफ दही जो है फैला हुआ था है, मटका को भी तोड़ फोड़ दिया है, बालक ऐसे ढीठ है बदमाश है देखो। अच्छा मटका जो फोड़ गया फिर दूसरे दिन उस मटके में तो दही रख नहीं पाई है, नया कहां से बाजार से ले आई अच्छा माँ जैसा बोली इसका इसका दंड देना चाहिए है, बालक के शासन करना चाहिए नहीं है। यदि बालक के माता पिता यदि बालक के शासन नहीं करें वो बालक क्या हो जाए और भी बिगड़ जाए है। गुरुदेव ये कथा सुनाते थे, सुनो, बेनी नाम से कोई एक बालक था, बेनी नाम इसका था बेनी है। उनकी वो जब जन्म लिया उसके माता पिता शरीर छोड़कर चले गए, उनके मौसी ने क्या है, मासी बोलते मासी जब उनको पालन पोषण किया, किंतु उसके मौसी इतना उनका आदर करते थे, कभी डांटते नहीं था कुछ नहीं करता, बेनी जो भी काम करता था है कुछ नहीं बोलते है, समझ में आ रहा है क्या बोला, प्रेम से प्यार माँ से भी उसके अधिक प्रेम करते, क्योंकि देखो मातृहारा पितृहारा बालक है ना है, उसके उनके मासी कभी डांटता नहीं था कुछ भी करे है। ऐसे छोटा देखो बालक के यदि शासन नहीं करो वो क्या हो जाता है, आगे उनके स्वभाव भी बिगड़ जाता है, जाता है कि नहीं जाता, इसलिए माता पिता के कर्तव्य भी है छोटे बच्चे की भी शासन भी करना, मारने के लिए नहीं करे कम से कम शासन करो है, डराव तो कम है, पाश्चात्य देश में डराते भी नहीं है, और वो बच्चा क्या फोन उठा कर पुलिस को फोन करेगा तुम्हारे जम जाओ ऐसे सुनाते हैं वो लोग है, आ सुन और तुम्हारे बच्चा को लेकर के दूसरी जगह में दे दे है? तुम रोते रहो सारा जीवन जब तक तो बच्चा बड़ा नहीं हो जाए तुमको वापिस नहीं रहे है? आ समझ में पढ़ गया नेम, अरे नहीं 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 जिसको दादा गवर्नमेंट टू हर सन, अरे इन अमेरिका सीज कम चैतन्य प्रिया, अच्छा मैं नाम भूलते जा रहा हूँ, वो रोती है अच्छा है निकुंज विलास है चलो ऐसे अनेक उदाहरण है ठीक से आप बच्चा के केयर नहीं करो है, है? ठीक से पालन नहीं करो तो गवर्नमेंट ले जाएंगे एक अमेरिका में। अच्छा चलो हम जो क्या बोल रहे थे, बेनी नाम से एक बालक था, उनके बचपन में उसके माता पिता चले गए, छोटा बालक था, उसके उसके मसी ने पालन पोषण किया, उसके मसी इतने आदर करते थे कभी कुछ डांटते नहीं कहते नहीं,
और बालक के कुछ नहीं बोल दो उसके क्या बताया, और भी बिगड़ते जाए, बिगड़ते बिगड़ते इतने तक पहुंच गए, चोरी करना शुरू कर दिया है। जब बड़ा होने लगे वो भी चोर डकैत बन गए, तो जेल में चले गए। उसके राजा ने क्या बोले, जज ने उसको मृत्यु दंड दे दिया है, कोई ऐसी कम खून खराबी की। तो रोने लगे, तो उसके कहने बोले तुम क्या चाहते हो बताओ, अंतिम तुम्हारा क्या चाहते, तुम्हारी इच्छा कुछ बताओ। वो बोले मैं एक बार अपने मुंशी से मैं मिलना चाहता हूँ है, और वे कान से मैं सब कुछ बोलना चाहती, मुंशी मुंशी के कान में तो कान को काट लिया, दांत से काटे है। और ये सुना जी मुझे, यदि मैं बचपन में जो मैं गलत काम किया था उस समय यदि आप मुझे डांटते आज मेरे दुर्गति नहीं होती है। इसलिए माता पिता के कर्तव्य क्या है, बच्चों के भी डांटने, कहीं गलत काम ना करें। गुरुदेव एक कभी कथा सुना, इसलिए माँ यशोदा देखो उसी प्रकार सोच रहे, बालक बहुत चंचल हो गया, दुष्ट हो, इसको क्या करना चाहिए, दंड देना है। इसलिए माँ यशोदा ने हाथ में एक छड़ी लेकर के आगे चले, ये बालक कहाँ है, और देखा क्या दूसरी कक्षा में वो बंदर और कोहे के जो है मक्खन खिला, सारे मक्खन को ऊपर से उठा है। और जब माँ यशोदा उस कक्ष के अंदर थे, थोड़ी सी दर्जे पर आए और कोहे और बंदर सब भागने लगे, तो कृष्ण विचार करने लगे ऐसे कोहे बंदर क्यों भाग रहे, अभी तो खिला रहे है, ये भाग रहे क्यों। पीछे घूम करके देखा तो मैया खड़े खड़ी हुई है और हाथ में भी छड़ी लेकर लट्ठी लेकर, बस गोपाल ने क्या की, अच्छा बालक कम नहीं है, बहुत चलाक है, और उखल के ऊपर एक पैर रखा और बिल्कुल जालना से बाहर आ गया, ब्रज के जालना होते ना बिल्कुल खुला होता है, एक पैर रखा उखल के ऊपर एक पैर रखी और दूसरी बाहर गए कूद गए, बालक कितने चला गए। और भी कहां दौड़ने लगे, बोले अली गली में रास्ता में तो माँ तो जाएगी, इसलिए क्या करें, राजपथ जहां पर लोग जल्दी है, लोग आते जाते रहते हैं, कम से कम तो वहीं तो रक्षा करेंगे। बालक देखो कृष्ण कितने बुद्धिमान है, माँ यशोदा बोले, माँ यशोदा बोले बालक कहीं नहीं चले भी जाए है, दूसरे से दंड देना ही उचित है, इसे पकड़ना पड़ेगा। देखो गोपाल दौड़ रहे हैं और उसके पीछे पीछे माँ यशोदा भी लट्ठी लेकर के भी दौड़ रही है। अभी गोपाल कितने साल की है, 2.5 साल की है, शरीर पर इसे कोई वस्त्र नहीं है ज्यादा, केवल कंधे निमानों लगे हुए हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं। देखो सत्यव्रत मुनि इसे कितने सुंदर वर्णन कर रहे हैं, चित्रपट आ रहे ना बिल्कुल जैसे आपके नजर में दिखाई पड़ेगा, छोटा बालक कैसे दौड़ रहे हैं, कितने सुंदर श्यामल वर्ण कृष्ण गोविंद, छोटा बाल गोपाल है। और माँ यशोदा भी उसके पीछे दौड़ रही है, और माँ यशोदा आप दौड़ने लगे है, माँ यशोदा के जो बेनी पर जो फूल लगा हुआ था है, क्या लिखा ना, ये माँ यशोदा जो आप दधि मंथन कर रही थी, कैसे दधि मंथन कर रही थी, स्नान करके सूक्ष्म वस्त्र आदि परिधान करके और फूलों के द्वारा श्रृंगार करके है दधि मंथन कर रही, पुतना की बात ही नहीं। गोविंद सेवा के लिए क्या होनी चाहिए, पवित्र होकर के, पवित्र वसन श्रृंगार होकर के वर्णन करती जा रही, कितने सुंदर माँ यशोदा है, उनके शरीर कितने सुंदर है, गोविंद सुंदर है उसकी तो माँ भी तो सुंदर होगा ना है। कितना देखो बालक दौड़ रहे हैं,
और उसके पीछे पीछे मैया जसोदा भी दौड़े है। माँ जसोदा के बेनी से माने चोटी से जो फूल था वो फूल मानो गिरने लगे। ये फूल यही कह रहे माँ जसोदा है आप है? रुको मत, आप अकेली नहीं, हम भी तो हमारे पीछे पीछे चल, क्योंकि अपराध जगत में सभी चित है, चिन्मय है, है? हमारी सोच विचार और चित जगत की विचार अलग है। हम सोच रहे हैं ये फूल भी जड़ है, यहाँ पर पड़ा रहेगा है आज, किंतु देखो वो फूल भी कह रहे हैं ये माँ से तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे पीछे चल रहे, ये बालक के तुम पकड़ो, जल्दी जल्दी दुष्ट है, दंड देना ही तुम्हें पड़ेगा है। देखो चित जगत में कितने सुंदर ये भाव है, विशेष करके जो गोलोक वृंदावन में इतने माधुर जो भाव है, लौकिक सद्गुणवत प्रीति है, है? रामलीला में ये दिखाई नहीं पड़ेगा आप है? ना और किसी अवतार की लीला में आपको दिखाई पड़ेगा है? जहां पर लोगों की विचार कैसे लौकिक सद्गुणवत सद्गुणवत प्रीति रखते हैं। माँ जसोदा दौड़ रही और उसके पीछे पीछे ये मानो ये फूलों भी दौड़ रही, माँ जसोदा दौड़ रही कितने सुंदर। और जब गोपाल जब दौड़ रहे हैं, गोपाल के इससे सुंदर भी वर्णन हो रहा है, लसद कुंडलम गोकुले भ्रजमान है। लसद कुंडलम कृष्ण के जो है ये कुंडल क्या हो रहा है, लसद माने दुलायमान हो रहा है, दुल रहे। और दोस्तों जो बात बीच बीच में क्या है, उनके कपोल में गाल पर स्पर्श हो रहा है, है? इसमें भी टीकाकार कहते हैं, माधुर्य रस में भी टीकाकार वर्णन करते हैं, वत्सल रस के साथ ही साथ माधुर्य रस की भी उद्दीपन करा रहे। जिस कपोल के जो है राधा आदि गोपियां चुम्बन आदि करते हैं, और वही मानो कुंडल क्या कर रहे स्पर्श कर रहे, चुम्बन कर रहे है? कितना सुंदर ये भावों के दर्शन। इसलिए लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमानम नमामि शरणम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदा भियोलु खलाब्धव मानम परामृष्ट मित्तं ततद्रुतो। परामृष्ट मने पीछे भाग, माँ जसोदा दौड़ रहे और दौड़ के कृष्ण से अधिक तेज गति से दौड़ कर, कृष्ण जितने गति से दौड़ रहे हैं उससे अधिक गति से माँ जसोदा दौड़ रहे, तेज गति से दौड़ रहे, तब तो हम भगवान के पकड़ पाएंगे है। तात्पर्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार हमें भजन करना चाहिए ना। कहते हमें भगवान दर्शन नहीं देते हैं, है? भजन क्या करना है, भजन हमें करना चाहिए उसे। हम भजन नहीं करते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं हो रहा है। अरे भजन तो करो तब तो होगा, अनुशीलन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है? हम अनुशीलन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं ये गुरुदेव कुछ नहीं हुआ हमारा, क्या होगा? कुछ नहीं इसलिए हो रहा है हम भजन नहीं कर रहे हैं। पहले अपने को तो देखो, मैंने कितना भजन किया है, कितने मैंने सेवा किया, कितने नाम किया, पहले तो देखो हम कितने परिणाम किया है। नाम भजन प्रातः काल में उठ करके पहले क्या करना चाहिए, नाम हरिमान जपमाला, नाम रखो। सोने के पहले जपमाला कहाँ रखो, बिल्कुल सिरहाना के पास रखो है, दूर मत रखो, उठने के साथ ही साथ है माला में हाथ रख लग जाए है आसन, और करके हरिनाम करो है, पवित्र अपवित्र पुरुष सिर में भी हरिनाम करने की कोई बाधा नहीं है। नाम भजन की कार्य, नम नमकारी बहुधा निज सब शक्ति स्त्रार्पित नियमित स्मरण न काल, नाम भजन के किसी प्रकार छोड़ना, नाम नियम नहीं,
स्नान करके सब कुछ करके हरि नाम करेंगे पवित्र होकर के, स्नान करने के लिए गए गए और वापिस नहीं आएगा तो फिर नाम रह जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, नींद टूटने के साथ ही साथ हाथ में जप माला ले लो, कम से कम एक माला कर लो, दो माला कर लो, है आज में हाँ, पानी पीने के पहले नाम, प्रातः काल में उठ करके कम से कम दो गिलास पानी पी लेना, हाँ पेट बिल्कुल साफ हो जाए, है समझ में आ रही। इसलिए नाम करो कैसे, पानी पीने के पहले हरि नाम करो, है निर्जला होकर के पानी पी को ये हरि नाम करो, निर्जला समझते हो, बिना पानी पिए हुए नाम करो, इसके बाद पानी पियो, है आ समझ रहे, हाँ नाम करने की प्रणाली बता रहे हैं, और पानी पी लिया तो फिर है जाना पड़ेगा ना, इसलिए प्रातः काल में उठ करके पहले नाम करो, जितना समय है ठीक है थोड़ी सी कर लो जैसी आपकी इच्छा है, इसके पानी पी करके वॉशरूम में चले, बोले वृंदावन बिहारी। हम इसलिए कह रहे हैं हम कितने भजन कैसे करें उसको देखना पड़ेगा, कितना हरि नाम किया ये तो देखना पड़ेगा ना। हम लोग मथुरा मठ में ऐसे पहले नियम था, मंगला आरती के पहले 16 मानस माला शब्द करना पड़ता था, और क्या तुम्हारे भांति रात 11 बजे सो गए तो कहाँ कर, 12 बजे सोते हैं हैं, किस बजे सोए, अरे काल अभी तो चलो थोड़ा बोलिए, हर रोज किस बजे सोते हो, 1-2 बजे तब कैसे काम चलेगा है। चलो हम उसके लिए निदान 1 बजे सो, 2 बजे सो, वो तुम्हारी विचार है, नाम हमें करना है बस, तुम 1 बजे सो 4 बजे सो उसके थोड़ी दिखना है, है? माला नाम कर में करना पड़ेगा है, अरे नाम 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 भजन है ना। चलिए हम इसलिए कह रहे देखो माँ जसोदा एक कन्हैया जिस गति से दौड़ रहे हैं उसके अधिक गति से मैया दौड़ रहे हैं, काल जवन आदि है जो कृष्ण के पकड़ नहीं पाया है कितने दौड़ते जा रहे हैं, और देखो माँ जसोदा गोपाल को कैसे पकड़, कैसे पकड़ा, बोले यही बात्सल्य प्रेम है, भगवान वशीभूत होता है तीन प्रेमों के द्वारा वशीभूत होता है, सख प्रेम बात्सल्य और माधुर्य प्रेम है, किंतु माधुर्य प्रेम के द्वारा संग भगवान क्या करते हैं वशीभूत हो जाते, इसलिए तो भागवत में कह रहे हैं है क्या बोले, न पारे हंग निर्बंध संग साधु कृत्य विबुदल साधु जामा दुर्ज गृह श्रृंखला संग्रिश्य प्रतिजातु साधु ना है, गोपियों की प्रेम की महत्व यहाँ पर वर्णन हो रहा है, स्वयं भगवान करें, गीता में तुम्हें वचन दे दिया ये यथामांग प्रबद्धंते स्तंग तयुव भजाम, जो जिस प्रकार में शरण में आ जाते हैं उसके मैं कृपा करता, और भागवत में, भागवत में गोपी प्रेम अपना के कही ऋणी है, वात्सल्य प्रेम के द्वारा भगवान ऋणी नहीं करे, यहां तक भी सख प्रेम के द्वारा भी भगवान अपने के ऋणी नहीं मांगकर है, किंतु माधुर्य गोपी प्रेम विशेषकर राधा जी के प्रेम के द्वारा ही कृष्ण अपने के ऋणी मान रहे हैं, आज राधा प्रेम की इसमें महत्व भी इसमें वर्णन हो रहा है, न पारायण निर्बद्धं सुजं सुसाधु कृत विबुध सापिव जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजात साधु, गृह रूपी श्रृंखल, श्रृंखल माने जंजीर जो है चैन है, उसके त्याग देना स्त्रियों के लिए संभव नहीं है, आज विशेष करके विवाहिता जो स्त्रियां जो है गृह श्रृंखल के त्याग देख रहे सब कुछ है, घर में कोई प्रतिकूल अनुकूल कोई है, किसी घर में जाओ सभी घर में सब क्या है, सब प्रतिकूल है, सब दुर्मद है, सब दुर्मद है कि नहीं,
देखो गोपियों की जितने पति के नाम भी कैसे सुंदर है, क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु माने बिल्कुल जो क्रोध के मूर्ति के कहते अभिमन्यु कहा जाता है। राधा जी के जो सो कॉल्ड हस्बैंड उसके नाम क्या है? अभिमन्यु। क्या है? क्रोध के साक्षात मूर्तिमान कहा जाता है। किसी के पति के नाम है दुर्मद है, दुष्ट मद वाले, ऐसे ऐसे नाम भी, पतियों के भी नाम भी सुंदर है, है? है? सब सोच विचार करके नाम रखा गया है, है? आप लोग खुश हो रहे, अरे आपके पति लोग सुन रहे हैं तो क्या करेंगे, बिगड़ जाएंगे ना। चल इसलिए इस कथा को पति के सामने मत बोलू। पति आ करके सुन करके गए तो आपके देखो और भी बिगड़ जाएंगे। अरे बाबा जी लोग यही बोलता है, है? एक तो दुर्मद था और और भी दुर्मद बन जाएंगे। अरे जाने की जरूरत नहीं है, गोड़ी मठ के लोग यही शिक्षा देते हैं, है? मैं तुम्हें कितने प्यार करता हूं। समझ कथा सुना, चुटकी सुना के बंद कर देता हूं। एक स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो कह रहे मैं तुम्हारी घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रही हूँ प्यार में, जा रही माई के घर में जा रही हूँ, माता जी के घर, मैं अपने माँ के घर में ही रहूंगी, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मुझे शादी किया किस लिए? काम कराने के लिए, सुबह से लेकर के शाम तक मुझे काम कराते रहा, यही शादी, शादी के लिए यही शादी है क्या है? आज अरे तुम्हारे पास पैसा है, नौकर रख लेते, और तुम हमें बोलते हो रसोई बनाओ, रोटी बनाओ, झाड़ा पोछ करो, ये करो, ये करो, करो। है? मुझे एक तो बिल्कुल क्या रख दिया, नौकरानी रख। पति कहने लगे अच्छा सुनो, अच्छा तुम जाओ तो जाओ, हमारी बात सुनो इसके बाद जाना। अच्छा बताओ तुम्हारे साथ में विवाह हुई ना? बोले हाँ। अच्छा विवाह होने के बाद मेरे जो कुछ भी है तुमको मैं सब कुछ दे दिया। बोले क्या दिया? अच्छा बताओ मेरे जो सार नाम जो था तुमको दिया कि नहीं दिया? है? अच्छा विवाह के बाद आपके सार नाम, सार नाम समझते हो? सरनेम क्या होता है? चेंज होता है कि नहीं था? पहले आप अग्रवाल थे, अभी क्या हो गया? गोयल हो गया। यदि मैं बता रहा हूं, है? यदि आपको अग्रवाल लड़के को शादी किया, आपके पिताजी के घर में क्या नाम था? आधार कार्ड में क्या नाम था? मित्तल हो गया। देखो चेंज हो गया कि नहीं? अच्छा मेरा गोता तुम ले लिया सर, तो मेरा लिया, मैं दिया कि नहीं दिया? अच्छा भी बताओ तुम्हारे घर में जो है, तुम्हारे पिताजी जो बैंक में जो पैसा रखा था, तुमको नॉमिनी बनाया था, नॉमिनी बनाया? बनाया नहीं। देखो मेरा जो सब कुछ है ना तुम्हारे नाम पर है, नॉमिनी किसके नाम पर है? तो, है? अरे मैं कहीं भी मर भी जाऊं, नॉमिनी भी नहीं भी रखा, मैं भी मर जाऊं कहीं, है? एक्सीडेंट हो गया अकस्मात, तो मेरे संपत्ति जितने बैंक बैलेंस किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? है? क्या इंश्योरेंस भी मिल जाता है? है? पत्र के मिल जाता है? एक करोड़ यार देखो मेरा जो कुछ है तुम्हारे लिए, कहां तू मेरा नकर, नकर होते तुम पैसा दे, नकर आता है आज पैसा दे दिया बस हो गया, दूसरे दिन छुट्टी और रोज थोड़ी बुलाते रहे। है? मेरे सब कुछ संपत्ति तुम्हारी है, है? तुम जो कह रहे हैं मैं जब नकर, क्या बोले? नौकरानी बना के रखे, नौकरानी का, नौकरानी तो पैसा दिया जाता है, है? नौकरानी पैसा दिया जाता है कि नहीं जाता है? अब देखो तुमको तो पैसा देने का मेरे मनी बैग पड़ा रहता है, तुम उसे स्वयं उठा करके ले जाते हो। मेरे जब से महीने महीना जो जो मुझे पैसा मिलता है ना, है? वो भी तुम रख लेते हो, है? और कभी कभी क्या मुझे बिना बुलाए हुए मेरे जेब से भी पैसा निकाल लेते हो, मुझे पता है सब, है? सब्जी खरीदना है, है? तुम बाजार में तुम थोड़ी ना कर, ये काम थोड़ी करते हो, है? तुम तो घर के काम करते, ठीक है,
हम क्या करते, ऑफिस जाते हैं है? और ऑफिस जाते हैं जो मुझे तनख्वाह जो मिलता है, है? और आकर के हर महीने में तुमको दे देता हूं, बस रखो तुम, झगड़ा मिट जाता है, है? आ जाते नहीं, देखो पत्नी के यदि उनको पैसा दे दो, वो खर्च करते रहे तो समझ में वो आ जाएगा, समझ में उसका आ जाएगा, समझ में आ रही कि नहीं है? तुम खर्च करो कितने उनको पैसे दे दो, ये देखो हम इस महीने में इतने मुझे सैलरी मिली और ये तुम रखो और तुम संसार चलाओ, जो कुछ करना करो, तो अब जो है पत्नी समझ में आ गई, तो वो स्वयं जो है वो चाहते वो थक जाएगी, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे बस का नहीं है, है? पति कमा करके अपने पैसा रखते कहते तुम इतने पैसा ये दो, ये पैसा दो, पैसा दो, है? और पत्नी के सारे पैसा दे दे, हेडेक चला गया, है? फिर वो नहीं कुछ नहीं बोलेगा, आज नहीं तक गंज गज 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 विराग बिल्कुल दिमाग तुम्हारे खा देखो कैसे ये लोग कैसे सुख को वो देख रहे सब बात ही सही है कि नहीं है, है? झगड़ा में कोई है? नहीं तो हर रोज कहेंगे ये देखो हमें ये कपड़ा खरीदना है पैसा दो, ये करना है ये पैसा दो, लेडीज के एक होता है क्या शॉपिंग करना, इतना आनंद होता है, है? है? पैसा कहां से आएगा उसकी चिंता नहीं, अब बात सही है कि नहीं है? 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 और उनके हाथ में पैसा दे दिया, वो देखो वो जब चलाएगी ना, है? वो कितना कपड़ा खरीदा नहीं खरीदा वो उसके पता चलेगा, वो तब कोई शॉपिंग नहीं करेगी, वो इतने कंजूसी बन जाएगी, एक एक पैसा वो संजमा के जोड़ेगी वो, है? अच्छा बात ये सही है कि नहीं, और नहीं तो पति कहते हमें ये कपड़ा है ये करना है वो करना है, तुम तो पैसा दे दिया हमें क्या क्या करना, आप बताओ आ समझ हाँ बात सही है भाई, हम साधु है दोनों की पक्ष ले, दोनों की बात सुना दे, किसी के घर के पति भी होता है कैसे दुर्मद होता है, दुर्मद होते हो, अभिमन्यु भी होता है, है? ये अभिमन्यु सब ठीक टाइट हो जाएगा अपने आप, और वो पति जो हर रोज कहते हैं ना कैसे कैसे वो भी ठीक हो जाएगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय, है? अभी गोपाल दौड़ते रहे और माँ जसोदा उसके पीछे पीछे भागते रहे काल पर, अभी गोपाल के दौड़ रहे दो मॉर्निंग वॉक होने दो गोपाल गोपाल क्या अभी क्या बोल रहे जॉगिंग कर रहे हैं और उसके पीछे माँ दूसरा भी कर दी, बोले बेटा तू भी कर मैं भी करता रहा, तो फिर ठीक रहेगा ना, अभी पार्क में जाते हैं ना, है? आज में से माँ बेटा भी है मनी भाई बेटा आगे चल रहे चल, उसके पीछे पीछे मैया भी चल और वृंदावन बिहारी लाल क्यों कौन सा दोनों के बीच में क्या चल रहा है, हम दोनों ने क्या बोला सुनाई नहीं,
अभिमन्यु का मतलब क्रोधी है, तो कृष्ण ने अपने भांजे का नाम अभिमन्यु कहा। वो अभिमन्यु, वो अभिमन्यु अलग अर्थ होता है ना, अभिमन्यु के कई अर्थ होता है, अभिमन्यु के अर्थ होता है क्रोध, अभिमन्यु शब्द का दूसरी अर्थ होता है सम्यक रूप में, मनु शब्द होता है प्रेम पृथ्वी कहा जाता है, एक ही सिनो में नहीं होता है। वही पूछा था इसलिए। अच्छा आपने हार्दिक का क्या एग्जांपल दिया था, हृदय नहीं, हृदय से किसको, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व प्रकाश, पहले कहा ना। हाँ।